ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के बाद बेचे गए किन वाहनों के सशर्त पंजीकरण को मंजूरी दे दी है? ए BS3, बी BS4, सी BS5 या डी BS6। भागलपुर में जिला प्रशासन की अहम बैठक, लोगों से मुहर्रम घर में मनाने की अपील। भागलपुर समाहरणालय परिसर के समीक्षा हॉल में मुहर्रम पर्व को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार के साथ प्रशासन की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में SSP आशीष भारती, नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्रम, CT SP सुशांत कुमार सर, OCT DSP राजवंश सिंह सहित कई थाने के थाना प्रभारी मौजूद थे। साथ ही सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सभी जिलाधिकारी मौजूद थे। मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन का पालन करना है। वहीं मुहर्रम का अखाड़ा नहीं निकाला जाएगा, तजिया नहीं निकाला जाएगा। लोगों को घरों में नियाज फातिया कराने की अपील की गई है। इसकी मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ गणेश पूजा तथा जो मुहर्रम है उसको लेकर के भागलपुर पुलिस के द्वारा तैयारी की गई है। और जो क्योंकि अभी कोरोना का समय है और इसके संबंध में जो दिशा निर्देश है, मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि उसका पालन करेंगे। सामूहिक धार्मिक आयोजन इसमें पूर्णतः प्रतिबंधित है, कोई भी जुलूस इसमें पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो गणेश चतुर्थी में, गणेश पूजा में या फिर मुहर्रम में इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। और इसी को लेकर के आज शांति समिति की बैठक भी जिला स्तरीय आयोजित की जा रही है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका सभी से पालन। एक व्यक्ति द्वारा राजद नेत्री का फोटो खींचने को लेकर हुआ जमकर विवाद, मारपीट में तब्दील। भागलपुर के जोगसर TOP क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा राजद नेत्री का फोटो खींचने के दौरान जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि फोटो खींचने वाले व्यक्ति की धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नगर निगम सफाई के मुद्दे को लेकर राजद नेत्री का कोई कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, जो पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने जाने के दौरान ही इस तरह की घटना घटित हुई। वहीं महिला राजद नेत्री ने भागलपुर नगर निगम के मेयर सीमा साहा पर जान मारने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फोटो खींचने वाला व्यक्ति मेयर सीमा साहा का ही व्यक्ति है, जो फोटो के माध्यम से पहचान कर मुझे जान मारने की आशंका मुझे हो रही है। जैसे बन रहा है कंटिन्यू कीजिए। एक एक पॉइंट आना चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग खड़े थे 4 बजे से, हम लोग का प्रोग्राम था। तो एक आदमी रेड टी शर्ट में, वो मेरा नहीं, वो पहले मेरा रिकॉर्डिंग किया और उसके बाद दूर से फोटो खींच रहा था। मुझे लगता है कोई स्पाइक था ये,
और हमको टारगेट किया गया था, हो सकता हम पे हमला करवाया जाता, हमको मरवाने की कोशिश किया जाता। और वो आदमी को जब हम बोले कि क्या तुम फोटो क्यों खींचे, तो वो ऑटो में बैठ के वो मेरा सारा फोटो खींची लक्ष्मी जी को देने की बात किया जा रहा था, की जा रही थी। और वो लक्ष्मी जी हमेशा फोन कर रहे थे कि आप फोटो भेजिए। आखिर ये मुद्दा क्या है? इसका मतलब हम पे कलों के अटैक हो सकता है? क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि सीमा से करवाने की कोशिश कर रही हो? ये तो कुछ नहीं सकते हैं। नहीं, हम नहीं पहचानते किसी लक्ष्मी नाम की। नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। बार बार फोन आ रहा है, हम लोग यहाँ से थाना जाएंगे, FIR करेंगे और पता चलेगा कि किसने स्पाइक भेजा। जनता से अनुरोध किया जा रहा है कि जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर आप आवश्यक कार्य करके अपने घर की ओर चले जाए। सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि जो भी दुकान खुली रहने का निर्देश प्राप्त हुआ उसको छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। सभी आमजनों से अनुरोध है कि वो अपने कार्य समाप्ति पर साथ चले जाए। कोई भी भीड़ जमा नहीं होगा, कोई भी भीड़ में एकत्र नहीं होंगे। नवगछिया में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शाम 6 बजते ही दुकानों को कराया बंद। नवगछिया में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस की एक टीम ने नवगछिया बाजार में फ्लैग मार्च किया और लाउड स्पीकर से अनाउंसिंग करते हुए सभी दुकानों को बंद करवाया। महज 10 से 15 मिनट में ही पूरे नवगछिया बाजार में सन्नाटा फैल गया। पुलिस ने दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों का संचालन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही किया जाएगा। इसके बाद जो भी दुकानदार अपने दुकानों पर पाए गए उन पर कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च के दौरान कुछ स्थानीय लोगों जिन्होंने मास्क नहीं पहना था खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, वैसे लोगों की पिटाई भी की गई है। पुलिस टीम का नेतृत्व नवगछिया थाना के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा कर रहे थे। श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक मनाया गया चौर चंदा। नवगछिया शहर सहित आसपास के इलाकों में गणेश चतुर्दशी के अवसर पर लोक पर्व चौर चंदा आस्था और निष्ठा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने शाम ढलते ही चंद्रमा के आगे भगवान गणेश की आराधना की और श्रद्धालुओं ने चंद्रदेव को अर्घ दान दिया। इस अवसर पर नवगछिया के भवानीपुर गांव में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर सोशल डिस्टेंसिंग में पूजा अर्चना की गई। वहीं इस अवसर पर नवगछिया अनुमंडल के कई प्रखंड व कई गाँव में कई तरह के भक्तिमय वर्चुअल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। देश भर में डिजिटल रामलीला का मंचन करेगा नमो मंत्र फाउंडेशन। नमो मंत्र फाउंडेशन देश भर में डिजिटल रामलीला मंचन करने जा रहा है। फाउंडेशन ने इस डिजिटल रामलीला के लिए प्रोडक्शन का कार्य भी पूर्ण कर लिया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार सुशांत ने एक प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि इस डिजिटल रामलीला को 5 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों और कई सोसाइटीज से संपर्क किया जा रहा है। धर्म अनुरागी घर बैठकर ही इस डिजिटल रामलीला का आनंद ले सकेंगे। तकनीकी रूप से इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, फाउंडेशन के सदस्य श्री राम मंदिर पर श्री राम लला मन से मंदिर तक शीर्षक वाली एक किताब भी लिख रहे हैं। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-93043-67-170।
खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCM ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। नवगछिया समकालीन छापेमारी अभियान में कई दबोचे गए। नवगछिया SP स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर चलाए गए समकालीन छापेमारी अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र से संगीन मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के आरोपी सुदन टोला निवासी अनिल मंडल को मधेपुरा के आलम नगर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 4 लीटर देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार। खरीक पुलिस ने 14 नंबर सड़क पर उदय सिंह के घर के पास 4 लीटर देसी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल के साथ खरीक के ही खैरपुर निवासी इंद्रदेव मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गोपालपुर मध्य विद्यालय पोखरिया में 100 ग्रामीणों की गई जांच, नहीं मिले कोरोना संक्रमित। PSC गोपालपुर द्वारा मध्य विद्यालय पोखरिया में शिविर लगाकर रैपिड एंटीजन किट से 100 ग्रामीणों की जांच की गई, परंतु एक भी ग्रामीण कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए हैं। उक्त जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने दी। इंदु भूषण बने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी के अनुमोदन के आधार एवं राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर राज्य कृष्ण मुरारी के सहमति से उत्तर बिहार प्रांत प्रदेश अध्यक्ष राजू झा के द्वारा सांगठनिक नवगछिया जिला का जिला अध्यक्ष के लिए इंदु भूषण झा के नाम की घोषणा की गई है। संस्था के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष इंदु भूषण झा ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व ने जो दायित्व दिया है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून के मांग के लिए लगातार प्रयत्नशील रहूंगा। नवगछिया सड़क पार करने के क्रम में अज्ञात ट्रक से कुचलकर बाढ़ पीड़ित वृद्ध की गई जान। नवगछिया के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर BEd कॉलेज मदरोनी गांव के पास सड़क पार करने के क्रम में एक अज्ञात ट्रक के चपेट में आ जाने से एक बाढ़ पीड़ित वृद्ध की जान चली गई। वृद्ध की पहचान सोहरा गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद शाह के रूप में हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि राजेंद्र प्रसाद शाह देर शाम सड़क पार कर रहे थे, इसी क्रम में नवगछिया से आ रहे एक ट्रक के चपेट में आ गए और उनकी जान मौके पर ही चली गई, जबकि ट्रक चालक तेज गति से गाड़ी का परिचालन करते हुए फरार हो गया। देसी पिस्तौल के साथ एक गिरफ्तार। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के जांगीपुर वैसी पंचायत में एक देसी पिस्तौल के साथ गांव के ही दिनेश झा के पुत्र 18 वर्षीय धनंजय कुमार को पुलिस ने रंगे हाथ दबोच लिया है। जानकारी मिली है कि पुलिस ने उक्त कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCM ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर।